कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सेफ होगी बल्कि आइंदा आने वाले टाइम में आपको अप्रिसिएशन में लेके देगी, उस पे आप जल्दी डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट जो है वो न्यू मेट्रो सिटी, उसने अपने आप को प्रूव किया, डेवलपमेंट न्यू मेट्रो सिटी की किसी से ढकी चुकी नहीं है किसी तरह, दे आर हियर टू स्टे एंड दे आर द लीडर्स ऑफ द मार्केट्स इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, टीम कैशमार्क की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कैसे सेफ हो सकती हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो टॉप के हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। शुरू करते हैं जी प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सेफ होगी बल्कि आइंदा आने वाले टाइम में आपको अप्रिसिएशन भी लेके देगी, उसमें आपके पैसे इंशाल्लाह ग्रो भी करेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर जी हबीब रफीक ग्रुप, हबीब रफीक का जहाँ पे नाम आ जाता है वहाँ पर रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली साथ आ ही जाती है। जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक हबीब रफीक डिलीवर कर चुका है उसमें रिलायबिलिटी एक उनका की फीचर है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दे सकूँ, मेरे जो एज ग्रुप के हैं वो डेफिनेटली इससे रिलेट कर सकेंगे। 90s के दौर में और अर्ली 2000 में भी ये एयर कंडीशनर जो आपका अब स्प्लिट यूनिट शुरू हो गए, इससे पहले विंडो एसी हुआ करते थे और जनरल का एसी जो है वो एक रिलायबिलिटी की जमानत हुआ करता था। सेम उसी तरह से हबीब रफीक भी एक रिलायबिलिटी की जमानत है आजकल के दौर में डेवलपमेंट के हवाले से। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, टॉप ऑफ द मार्क टॉप नॉच डेवलपमेंट है और द वेरी फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इस्लामाबाद। यू मस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करना चाहते हैं और अपने पैसे में अप्रिसिएशन भी चाहते हैं। अगला प्रोजेक्ट आ गया जी फैसल टाउन। फैसल टाउन के बानी चौधरी मजीद साहब, कौन नहीं उनको जानता, E11 से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, डेवलपमेंट का आगाज़ किया, फिर वो मूव हुए MPCHS B17 को उन्होंने बुलंदियों पे पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट फैसल हिल्स और फैसल टाउन फेज़ वन लॉन्च किए। फैसल टाउन की वन की जो कामयाबी है वो हम सबके सामने है, किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, कैसे वहाँ पे प्लॉट की कीमतों में 3 गुना तक इजाफा हमने देखा। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया जी अब M2 मोटरवे पे फैसल टाउन फेज़ 2 के नाम से। हाल ही में उसका नक्शा भी सुनने में आ रहा है कि चौधरी मजीद साहब ने अपने करीबी लोगों के साथ उसको शेयर किया है और ठलियाँ इंटरचेंज के बिल्कुल साथ एंट्रेंस बनने जा रही है फैसल टाउन फेज़ 2 की। डेवलपर का मैंने आपको बता दिया, चौधरी मजीद साहब की डेवलपमेंट किसी से ढकी चुकी नहीं है। फेज़ 2 फैसल टाउन फेज़ 2 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आइंदा आने वाले 2 से 3 साल में डेफिनेटली पूरी रात जो है वो तो अल्लाह की है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपको लाजमन वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगी। आपने थोड़ा सा स्मार्ट मूव करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जिन्होंने अभी फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइल्स ली हुई हैं वो थोड़े से एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं कि यार अभी तक रेट माइनस में क्यों चल रहा है। ये आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले 3 से 4 महीनों में नवंबर में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डेवलपमेंट का आगाज़ हो जाएगा। आप देखेंगे कि ट्रेडिंग किस तरह से होगी फाइल्स की और रेट कैसे ऊपर जाएंगे और फिर जब ये प्लॉट्स में डेवलप हो जाएंगी ये फाइल्स, उस वक्त भी आप देखेंगे कि रेट्स कितनी तेज़ी से इन प्लॉट्स के ऊपर जाएंगे। अगला प्रोजेक्ट जी चक्री इंटरचेंज का एक और बड़ा नाम ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी को स्टार्ट हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। शुरू में बड़ी नेगेटिविटी भी थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, लैंड के हवाले से। फिर हमने देखा कि देखते ही देखते ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। 1 लाख के करीब रकबा क्लेम करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले उनके पास है और जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ओवरसीज ब्लॉक, आपका जनरल ब्लॉक, वाटर फ्रंट ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक, देर इज़ नो मैच ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी। दुनिया की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन बनने जा रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी और स्पेशली जो साद नजीर साहब का विजन है उसको अगर हम सामने रखते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी को देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आपके पैसों को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ करेगी। ये आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को लाजमी कंसिडर करें, आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह वहाँ पर सेफ रहेंगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम देखते हैं जी पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी थोड़ा सा एक ज़रा हाई एंड की तरफ चला जाता है,
अलीम खान साहब की उसमें जो डेवलपमेंट है वो भी हमारे सामने है, किस तरह से उन्होंने आबाद की पार्क व्यू सिटी। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है थोड़ा सा, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं उनसे पार्क व्यू सिटी के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ी सी ज़रा प्रीमियम लोकेशन भी है, इस्लामाबाद का हब एक किस्म का बनता है, व्यू एरिया से हार्डली 20 मिनट्स की ड्राइव पे है। अभी उसमें कुछ ऑप्शंस आगे आ रही हैं इंस्टॉलमेंट की जो मौजूद हैं, मोस्टली वहाँ पे आप इस वक्त आपको फुल पेमेंट पे ही प्लॉट्स पार्क व्यू सिटी में मिलते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो पार्क व्यू सिटी इज़ वन ऑफ दो सिटीज़ जो आपको अप्रिसिएशन इंशाल्लाह लाजमी दिलाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू मेट्रो सिटी। न्यू मेट्रो सिटी हमने देखा कि पंजाब रीजन में सबसे जल्दी डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट जो है वो न्यू मेट्रो सिटी, उसने अपने आप को प्रूव किया कि दे आर हेयर टू स्टे एंड दे आर द लीडर्स ऑफ द मार्केट्स इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट न्यू मेट्रो सिटी की किसी से ढकी चुकी नहीं है, किसी तरह से उन्होंने फास्टर 100 डेज डेवलपमेंट, फास्टर 30 डेज, फिर 100 डेज, और अभी भी जिस तरह से वो सिलसिला चला रहे हैं डिलीवरेंस का, अर्ली बर्ड की डिलीवरेंस आ गई, बहुत जल्द वहाँ पे पोजेशंस अनाउंस हो जाएंगे, विलाज की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। रेट्स डेफिनेटली इस वक्त कुछ माइनस में जा रहे हैं कुछ ब्लॉक्स के, लेकिन अगेन जो भी इंस्टॉलमेंट पे चीज़ आप लेते हैं उसको अपने माइंड में रखा करें कि ये आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको इसका रिटर्न देगी। ओवर द नाइट इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ आपको एप्रिसिएशन नहीं दिलाती। अगर आप 2 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं, तो ये जितने प्रोजेक्ट्स मैंने आपको गिनाए हैं, आंखें बंद करके इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि आपके पैसों में यहाँ पे एप्रिसिएशन ज़रूर आएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करें। हमारे नंबर 03-4559-3565 पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।